Welcome friends, in this video I shall be talking about first welfare theorem and second welfare theorem. So first theorem of welfare, let's start. मेरे बच्चों उसके ब्रैकेट में मैंने लिखा इक्विलिब्रियम एंड एफिशिएंसी, वो क्यों लिखा है मैं वो भी अभी बताऊंगा आपको. वेल बेटा, फर्स्ट थ्योरम कहता है दैट अ कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज पारेटो एफिशिएंट. मेरे बच्चों कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम का मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो भी सिखाया था बच्चे आपको. आप याद करिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गुड एक्स का प्राइस हमने एज्यूम किया था 3, गुड वाई का प्राइस एज्यूम किया था 2, और फिर हमने देखा था कि गुड 1 एक्सेस सप्लाई था और गुड 2 की एक्सेस डिमांड हो गई थी. मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, गुड 1 की एक्सेस सप्लाई थी और गुड 2 की एक्सेस डिमांड हो गई थी. फिर मैंने आपको कहा था जिसकी एक्सेस सप्लाई है उसका प्राइस गिर जाएगा 3 से 2.5, जिसकी एक्सेस डिमांड है उसका प्राइस बढ़ जाएगा 2 से 2.5. तो अल्टीमेटली फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया था, कोई मिसमैच नहीं रहा था, कोई एक्सेस डिमांड या कोई एक्सेस सप्लाई नहीं रही थी. तो बच्चे यही क्रक्स है फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम का, विच सेज कि अगर कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है जो यू नो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, या इन अदर वर्ड्स जो प्राइस ने डिसाइड कर दिया डिमांड एंड सप्लाई, वो उससे जो इक्विलिब्रियम आएगा वो आपका पारेटो एफिशिएंसी देगा ही देगा. आइए इसको थोड़ा सा और एलाबरेट करते हैं. हमारे पास दो तरीके होंगे फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम को समझने के. फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. कंज्यूमर प्रेफरेंसेस मस्ट बी स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स. इसका मतलब वेल बिहेव प्रेफरेंसेस. ईच कंज्यूमर मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ समथिंग डिजायर्ड बाय अदर कंज्यूमर सो दैट मीनिंगफुल एक्सचेंज कैन टेक प्लेस. यानी कुछ इनिशियल एंडोमेंट हो. देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नैलिटीज इन कंजम्पशन. आप कहोगे भाई इससे क्या दिक्कत है? इससे दिक्कत ये हो जाएगी मेरा बच्चा कि आपको ये समझना है कि जब कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम होता है ना, तो वहाँ पे सिर्फ प्राइस ही ड्राइविंग फोर्स होता है, कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करे. तो बच्चा कहता है उसमें एक्सटर्नैलिटी की क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको आगे एक चैप्टर रहेगा एक्सटर्नैलिटीज पूरा, उसमें डिटेल में भी सिखाऊंगा, बट हल्का सा हिंट अभी दे देता हूँ. आप मुझे बताइए मेरा बच्चा, अगर मैं ये एक मार्कर ले रहा हूँ, समझना बात को ध्यान से, ये ग्रीन मार्कर, प्लीज़ ध्यान से समझो. इसका प्राइस 10 है सपोज, तो मैं उसके हिसाब से अपने डिमांड डिसाइड करूँगा कि ओके वेदर आई वॉन्ट टू बाई इट और नॉट. अगर इसके अंदर कुछ एक्सटर्नैलिटीज़ भी आ जाती है, एक्सटर्नैलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. तो बच्चा कहता है कोई एग्जांपल, तो मैं थोड़ा इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल दे देता हूँ. सपोज़ मुझे पता है कि जो मेरे साथ जो रूममेट है उसको ग्रीन कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी पसंद नहीं, और रहते हम साथ ही हैं, तो यानी मैं उसके सामने ये यूज़ नहीं कर पाऊँगा, एल्स वो कहेगा यार प्लीज़ मेरे सामने मत करो ये काम. तो डोंट यू थिंक अब whether I should be buying marker or not is not only solely depending upon its price, that is 10 rupees. It is also depending upon externalities. क्या मेरे दोस्त को बुरा लग जाएगा यार, he doesn't like green color. तो इसीलिए हम कह रहे हैं, रूल आउट कर रहे हैं कि कोई कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज नहीं होंगी. हालांकि जैसे मैंने बताया, आगे आप चैप्टर देखेंगे एक्सटर्नैलिटीज का, उसमें कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज और प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज दोनों सिखाएंगे डिटेल में आपको. आगे मार्केट से प्रोडक्ट मार्केट हो, फैक्टर मार्केट हो, वो कंपेटिटिव है. इन्फॉर्मेशन सबको फ्रीली अवेलेबल है और कोई ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है. आइए पहले तो थियोरेटिकल प्रूफ, ये आपको जाना बचाना लगेगा. व्हेन द मार्केट इज इन अ कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम देन द सेट ऑफ बंडल्स प्रेफर्ड बाय ए मस्ट बी अबव हिज बजट सेट एंड द सेम शैल होल्ड ट्रू फॉर बी. दस द टू सेट्स ऑफ प्रेफर्ड एलोकेशन शैल नॉट इंटरसेक्ट, दस बोथ कंज्यूमर्स शैल प्रेफर द इक्विलिब्रियम एलोकेशन. ये वही है जो हमने अभी आपके साथ पहले भी शेयर किया. मेन अगर आपको फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम सीखना है ना, तो अलजेब्रिक रूप से सीखा जाता है. ये मैं आपको सिखाता हूँ मेरे बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से मजा लेके करेंगे. वी नाउ प्रूव दैट कंपेटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम इज पारेटो एफिशिएंट यूजिंग द मेथड ऑफ रिडक्शन एड एब्सर्डम. दिस मेथड फर्स्ट अज्यूम दैट कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम इज नॉट पारेटो एफिशिएंट एंड देन दिस लीड टू एन एब्सर्डिटी. तो आइए देखते हैं. So let's first assume that the allocation x1a, x2a, x1b, x2b is not a Pareto efficient. Minded allocation x एक competitive allocation है, जो हम पहले से ही मान रहे हैं कि दो इट्स अ competitive allocation, दो ये you know price की वजह से ही decide हुआ है ये equilibrium, but still हम ये नहीं मान रहे कि ये Pareto है. Okay, तो कोई और point Pareto होगा आपके हिसाब से? हाँ जी. So therefore there shall be some other allocation say y, y1a, y2a, y1b, y2b, that is Pareto. Minded, there are two allocations now, x allocation, y allocation of both the goods. X allocation जो कि competitive allocation है, competitive equilibrium से निकला है, but we are not assuming it, we are not accepting it to be a Pareto one. तो अब ये Pareto नहीं है तो कोई और Pareto होगा. हाँ, हम suppose assume कर लेते हैं allocation y is Pareto, जो कि competitive नहीं है, हमने ऐसे assume किया है.
सो नाउ आपका जो सो कॉल्ड परेटो एलोकेशन है वो वाई है, हाँ जी, तो वाई वन है वाई वन बी, यानी जो ए और बी जो आपके एजेंट्स हैं वो जब गुड वन कंज्यूम करेंगे वाई एलोकेशन पर, तो वो सब डिमांड है, ये सप्लाई है, सप्लाई तो एंडोमेंट के बराबर ही होगी, W1 A और W1 B, इसका मतलब है जो A और B की इनिशियल एंडोमेंट होगी गुड वन की, तो जो फाइनल डिमांड होगी बाय A एंड B गुड वन की, तो वो भी उसके बराबर ही होगी, उसको एक्सीड तो नहीं कर सकते। सेम विद गुड टू, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, वाई इज अ परेटो एफिशिएंट एलोकेशन, जो आप एज्यूम कर रहे हो, वट एवर यू डिमांड एट दैट एलोकेशन पॉइंट इट मस्ट बी इक्वल टू योर इनिशियल एंडोमेंट्स ऑफ बोथ द गुड्स, दैट विल बी द सप्लाई ऑफ बोथ द गुड्स। अब आपने कहा that x is not pareto, y is pareto, that means y is better than x for you, तो मैंने equation 3 बनाई that y1a y2a is strictly preferred by a over x1a and x2a, same for b, b is obviously you know liking again liking allocation y over allocation x, because x as per these two agents is not pareto, okay. Equations 1 and 2 state that y allocation is feasible and therefore y consumed must be equal to the total endowment for each of the goods, that is good 1 and good 2. Equation 3 is drawn on the assumption that y allocation is preferred to x by a and therefore the expenditure on y shall be more than the value of endowment for a. ये बात समझने वाली है, आप खुद ही कह रहे हो ना you like more y than x, yes, तो क्यों? आपका नाम y से शुरू होता है, yo-yo नाम है आपका, क्यों y ज़्यादा पसंद है आपको allocation? वेल सर इसमें गुड ज़्यादा होंगे, वाह गुड, अगर ज़्यादा होंगे तो खर्चा भी तो ज़्यादा होगा फिर, हाँ सर, तो यही तो लिखा है, देयर फॉर द एक्सपेंडिचर ऑन वाई बंडल शेल बी मोर देन द वैल्यू ऑफ एंडोमेंट फॉर ए, क्योंकि आपको बात समझना होगा जो एक्स है वो कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम है, कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस से बना होगा, उसमें उतने ही तो पैसे लगाओगे जो आपकी वैल्यू ऑफ एंडोमेंट होगी, हाँ जी। अब आप कह रहे हो एक्स परेटो नहीं है, हाँ जी, आप कह रहे हो वाई परेटो है, हाँ जी, यानी आप कह रहे हो वाई एक्स से बेटर है, हाँ जी, तो अगर आपके लिए वाई बेटर है तो वाई में कुछ तो ऐसा होगा जो एक्स से बेटर है, हाँ सर उसमें गुड ज़्यादा हो सकते हैं, अरे गुड ज़्यादा हो सकते हैं तो खर्चा भी तो उस पर ज़्यादा हो रहा होगा, तो जो तेरी इनिशियल एंडोमेंट की वैल्यू उससे ज़्यादा खर्चा कैसे कर लेगा तू, मैं भी वही प्रूफ कर रहा हूँ, दैट्स इक्वेजन 5, सो फॉर ए इक्वेजन 5 जो अभी यहाँ पर आपको दिखेगा, सो पी वन वाई वन प्लस पी टू वाई टू इज मोर देन योर वैल्यू ऑफ एंडोमेंट, इक्वेजन 4 इज ड्रॉन फ्रॉम द अजम्पशन की वही वाई प्रेफर्ड है ओवर एक्स बाई बी एज वेल, देयरफॉर उसका भी एक्सपेंडिचर ऑन वाई शैल बी मोर देन द वैल्यू ऑफ एंडोमेंट। अब मेरी बात नोटिस करना, आपका जो वाई एलोकेशन पे खर्चा है वो आपकी वैल्यू ऑफ एंडोमेंट से ज़्यादा है, ये प्रूफ करा हमने, ऊपर देखो वाई वन ए वाई वन भी इसके बराबर है, वाई टू ए वाई टू भी इसके बराबर है, ये मैं अब यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, देखना, so we add equation 5 and 6 and obtain 7, so p1 y1 a plus y1 b plus p2 y2 a plus y2 b is greater than this, now substitute 1 and 2 and 7, to bhaiya y1 a y1 b y2 a y2 b has been replaced with w1 a w1 b or w2 a w2 b, why, because aapi ne to kaha tha this equals this, this equals this, sir kehna kya chahte ho, kehna chahta hu ki absurd hai ye baat, ho hi nahi sakta, matlab beta lhs is greater than rhs, मगर ये तो दोनों सेम है, सो विच रिजल्ट्स इन एन एब्सर्डिटी एज एलएचएस एंड आरएचएस आर इक्वल आइडेंटिकल, देयरफॉर द अजम्पशन दैट कंपेटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम इज नॉट परेटो इज हाईली इनकरेक्ट, अगर कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम है तो परेटो होगा ही होगा, सो दस वी हैव प्रूव्ड द फर्स्ट थ्योरम ऑफ वेलफेयर दैट ऑल कंपेटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम आर परेटो एफिशिएंट। अब मैं एक चीज पर आपका ध्यान दूं, देखिए आपकी रीडिंग ऐसे फर्स्ट थ्योरम नहीं लिखती, आपकी रीडिंग ये लिखती है इक्विलिब्रियम एंड एफिशिएंसी, इक्विलिब्रियम मतलब कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम, एफिशिएंसी मतलब परेटो एफिशिएंट, तो इक्विलिब्रियम विल लीड टू एफिशिएंसी, यानी इफ यू हैव अ कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम इट विल ऑटोमेटिकली बी अ परेटो एफिशिएंट पॉइंट। हाँ, ये कुछ इंप्लीकेशंस फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम, वेल वी विल सी सम implicit assumptions, agents only care about their own consumption of good and not about what other agent consume, if one agent does care about another agent consumption then we say that there is a consumption externality and with that competitive equilibrium need not be pareto, jo maine abhi wo hare marker ka green marker ka example diya tha, are bhaiya apna kaam banta bhaad mein jaye janta, aapko usse koi matlab nahi hona chahiye ki wo kya kar raha hai ya wo aapki cheez pasand karega ki nahi karega ya aap usko impress karne ke liye loge na, the only key factor determining your choice regarding what you buy has to be only price,
Second, the number of agents is so large that the market power of each agent is zero. Market power को आप monopoly power भी कह सकते हैं, in a way. The large number of agents in the market ensures that agents behave competitively. Therefore, the trading process results in a Pareto efficient allocation. तो बच्चा कहता है पर आप तो दो एजेंट के साथ समझा रहे हो, दो एजेंट के साथ सिंप्लीफिकेशन के लिए, बट रियलिटी में assumption है कि बहुत सारे एजेंट हैं तो अकेला कोई एक एजेंट प्राइस को इन्फ्लुएंस ना कर सके. The third implicit assumption requires that a competitive equilibrium must actually exist. This can only be possible when the number of producer and consumer is very large, and this ensures that no single producer or consumer can influence the market price. Thus, each firm and consumer is a price taker. तो third, second का ही extension ही है एक तरह से. अबे बेटा की usefulness क्या है? अबे पढ़े क्यों हम first welfare theorem? ये इसलिए अगर मोटे मोटे तौर पर बात की जाए कि अगर आपके पास एक competitive equilibrium है, हाँ जी, तो फिर आप श्योर हो कि वो परेटो तो होगा ही होगा, वो एफिशिएंट होगा ही होगा. सो कंपेटिटिव मार्केट एंश्योर दैट एजेंट्स नीड टू पोजेस मिनिमम इन्फॉर्मेशन टू मेक ऑप्टिमल डिसीजन. दिस इंप्लाइज दैट अ कंज्यूमर नीड्स टू नो ओनली अबाउट द प्राइस ऑफ द गुड्स दैट इज कंज्यूमिंग. द कंज्यूमर अंडर परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट शैल नॉट बी कंसर्न विद द नेम ऑफ द प्रोड्यूसर, द मैनर इन विच द गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड और द लोकेशन. द की थिंग determining his decision, influencing his decision, has got to be the price. The only information that the consumer needs is prices. With price information being available, a consumer can determine his demand, leading to efficiency. आते हैं जी second theorem of welfare. अब हम उल्टा देखेंगे. First theorem क्या थी? Sir, first theorem ये कहती थी अगर competitive equilibrium है ना तो वो Pareto होगा. अच्छा. Second पता है क्या कहती है? Pareto will be competitive. क्या सर? बेटा फर्स्ट क्या कहती थी? सर कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम परेटो होंगे. जो प्रूफ किया, हाँ किया. सेकंड पता है क्या कहती है? परेटो विल बी कंपेटिटिव. इफ यू हैव अ परेटो इक्विलिब्रियम विद टेंजेंसी ऑफ आईसीज तो फिर आपका वो कंपेटिटिव होगा. पर इसके साथ कुछ कंडीशंस होना जरूरी है. आइए पढ़ते हैं. इसलिए हमने पहले देखा एफिशिएंसी एंड इक्विलिब्रियम. एफिशिएंसी मतलब पहले परेटो एंड देन इक्विलिब्रियम, दैट इज कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम. तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको परेटो मिल गया तो आपको कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम मिलेगा, लेकिन विद सर्टेन कंडीशंस. तो आइए पढ़ते हैं. द सेकंड थ्योरम स्टेट्स दैट एज लॉन्ग एज प्रेफरेंसेस आर कॉन्वेक्स एवरी परेटो एफिशिएंट एलोकेशन विल बी सपोर्टेड एज अ कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम. दैट कंडीशन इज दैट योर प्रेफरेंसेस हैव टू बी स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स. इसको सिर्फ ज्योमेट्रिकली प्रूव करते हैं आपकी रीडिंग्स. जैसे फर्स्ट को तो ज्योमेट्रिकली और अलजेब्रिकली करा, इसको खाली ज्योमेट्रिकली. So we know that with a Pareto point or Pareto efficient allocation, the set of allocation that A prefers is disjoint from the set of allocation that B prefers. इसका मतलब है आप इस direction में जाएंगे तो A better हो जाएगा, B worse off. आप इस direction में आएंगे तो B better off हो जाएगा और A worse off. इसके लिए आप पहले दो videos देख सकते हैं. Now is the equilibrium point since ICs of two consumers are tangent, it's not possible to increase the welfare of one without making the other one worse off. ये आप video one में देख चुके हो. ICs tangent है तो ये Pareto point है. Pareto point की ये feature होती है कि you can't make one guy better off without making the other one worse off. तो अब suppose the straight line represents the agent budget set, ये वाली line. Then if each agent chooses the best bundle on his or her budget set, the resulting equilibrium is Pareto. क्या ये जरूरी है? So can we be sure that if there is a tangency between IC, we will have Pareto and competitive equilibrium. Well, with tangencies, yes, we are sure that we are going to have a Pareto. But it will not be a competitive equilibrium. कैसे? बताता हूँ. आप बताइए यहाँ पर tangency मिल गई? मिल गई सर. B तो खुश है यहाँ पर, I am sure. ये उसका budget set है, he is happy. A यहाँ पर खुश नहीं है, A Y पर खुश है क्योंकि उसको higher IC मिल रहा है उस पर. राइट? आपको नहीं लगता फिर अगर मैं आपसे कहूँ, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि B को ना टोटल 20 हैं यूनिट्स, गुड वन की भी और गुड टू की भी. B कहता है मे को 12 दे दो, यहाँ से ऊपर से बोल देता हूँ चलो ऐसे कि मुझे इसकी 12 यूनिट्स दे दो और इसकी 6 यूनिट्स दे दो. यानी फिर A को कितनी मिलेंगी अगर 12 इसको मिल रही है तो? A को इसकी 8 मिल जाएंगी और इसकी 14 यूनिट्स. लेकिन A का तो सपने ही अलग है. A कह रहा है ना आप मेरे को इसकी, ये 8 है बेटा, ठीक है. A कह रहा है कि मेरे को इसके 8 नहीं चाहिए, मुझे तो इसके 14 यूनिट्स चाहिए. और B के 14 नहीं चाहिए, B के सपोज 4 चाहिए.
तो आप बताइए एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। हाँ सर, तो कंपेटिटिव कहां से हुआ बच्चा? सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि तूने रट लिया था कि टेंजेंसी हुई तो परेटो होगा, हाँ, और तेरे कहा था कि परेटो हमेशा फिर कंपेटिटिव हो जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि आईसी स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स नहीं है, डाइल्यूटिंग आईसी जो थर्ड सेम में सिखाए थे तेरे को मैंने। सो हियर एक्स इज परेटो बट इट्स नॉट कंपेटिटिव बिकॉज एजेंट ए वॉन्ट्स वाई पॉइंट वेयर एज एजेंट बी वॉन्ट्स एक्स, दस एट गिवन सेट ऑफ प्राइसेस डिमांड डज नॉट इक्वल सप्लाई। So if all agents have convex preferences, then there will be a set of prices such that each Pareto efficient allocation is a competitive equilibrium. तो वो जो है वो मैं यहाँ पे आपके लिए छोटे से बना देता हूँ। तो अगर convex preferences होती ना तो ये ऐसे आ जाता, यही Pareto होता, यही competitive हो जाता बच्चों। आइए पढ़ते हैं। सो इफ ऑल एजेंट्स हैव कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस देन देयर विल बी अ सेट ऑफ प्राइसेस सच दैट ईच परेटो एफिशिएंट एलोकेशन इज अ कंपेटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम। यानी आपको परेटो कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम तभी बनता दिखेगा जब आपकी कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस हो, एल्स जरूरी नहीं है। सो दिस प्रूफ इज एसेंशियली द ज्योमेट्रिक प्रूफ। एट अ परेटो एफिशिएंट एलोकेशन द बंडल्स प्रेफर्ड बाय एजेंट ए एंड बी मस्ट बी डिसजॉइंट, जैसे मैंने दिखाया। Thus, if both the agents have convex preferences, we can draw a straight line between the two sets of preferred bundle that separates one from the other. That's this line. The slope of this line gives us the relative prices, and any endowment that puts the two agents on this line will lead to the final market equilibrium being the original Pareto efficient allocation. जैसे हमने implication करी थी first welfare theorem की, ऐसी अब second welfare theorem की implication. So second welfare theorem tells us that as long as preferences are convex, then every Pareto efficient allocation is a competitive equilibrium for some initial allocation of resources. A competitive market determines product prices. So these product prices have two roles to play. अब आपने क्या देखा? Convex preference है, अगर Pareto आ गया तो competitive equilibrium आ जाएगा। Competitive equilibrium किसके इर्द गिर्द घूमता है? Well, it actually works on price. तो price decide होता है उसमें। Price के दो role हैं। पहला allocative role. The allocative role of price is to indicate the relative scarcity of the product. For example, P1 is for 5 rupees, P2 is for, so slope P1 upon P2, negative sign laga sakte ho chaho to, 5 by 4. This implies that 1.25 units of good 2 are equal to 1 unit of good 1. So therefore, good 1 is relatively scarce and therefore commands a higher price. Distributive role. Kehta hai, competition or other competitive markets not only determine product price, but they also determine factor prices. Factor prices show the factor earning, that is factor income, and factor income determines how much of different goods the agents can purchase. What an agent can purchase and consume depends upon his factor earnings. अब अगर तू कहे मैं अभी ये point लाया ना, बिल्कुल भी नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा ये बार। मैं तेरे को दिखाता हूँ कुछ। देख मैंने लिखा था, the markets whether product or factor must be competitive. तो अगर कंपेटिटिव मार्केट है तो फिर ना सिर्फ प्राइस डिसाइड करेगी बट फैक्टर प्राइस भी डिसाइड करेगी, और फैक्टर प्राइस ही तो फैक्टर इनकम डिसाइड करेगा, और फैक्टर इनकम डिसाइड करेगी कि एक पर्टिकुलर एजेंट जो शायद अपना लेबर बेच रहा हो या कोई अपना लैंड रेंट पे दे रहा हो वो कितनी कमाई करेगा, और उस कमाई से उसकी कंजम्पशन डिसाइड होगी। So factor incomes are primarily determined by the use of resources an agent initially possesses. An agent's endowment in most cases consists of his own labor. It is very much possible that the initial endowment of different agents are extremely inequitable. Some agents are naturally endowed with certain skill set like artists, musicians. अब suppose आपके पास चावल है और जो दूसरे agent है वो तो musician है, तो वो कौन सा गाना सुनाए आपको, कितने गाने सुनाए जिसके बदले में आप एक किलो चावल दोगे? तो ये है inequitable. So if the initial distribution of endowment is highly inequitable, then final distribution, that is competitive allocation, shall also be inequitable. Here comes the role of state, that is government. If the state can redistribute the initial allocation appropriately, then the market mechanism can achieve a Pareto efficient allocation. The state can redistribute the initial allocation of resources through lump sum transfers. Ab ek baat batao, don't you people think, in India ki agar baat kare, government cash transfers deti hai garib logo ko? उनके बैंक्स में जाते हैं आप किसानों से पूछ लो, 6-6 हज़ार मिलते हैं साल के। सो एक तरीका ये है कि गवर्नमेंट रीअलोकेट कर दे रिसोर्सेज को। दूसरा, टैक्सेस बेस्ड ऑन दी वैल्यू ऑफ एंडोमेंट, कि एक बहुत ही अमीर है एक थोड़ा रिलेटिवली गरीब है तो अमीर पे ज़्यादा टैक्स लगे। टैक्सेस दैट डिपेंड अपॉन द चॉइसेस दैट अ कंज्यूमर मेक्स। अब आप शराब पीते हो, लिकर, मैं दूध पीता हूँ, तो गवर्नमेंट शराब पे ज़्यादा टैक्स लगा दे क्योंकि आपकी कंजम्पशन कुछ इस तरीके की है, और मेरे मेरे दूध वाले कंजम्पशन पे कम टैक्स लगाए।
इसकी डिटेलिंग आप मेरे नोट्स में से पढ़ सकते हैं मेरे बच्चों. नाउ गाइस, दिस वन मोर टॉपिक विच वी शुड बी कवरिंग एज वेल, दैट इज मोनोपोली इन द एजवर्थ बॉक्स. वेल बेटा, फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम को और बेहतर समझना है तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए. देखिए बच्चों, फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम कहता है कि कोई भी कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम होगा तो वो पारेटो है. तो जस्ट उस स्टेटमेंट से हमें पता लग जाएगा कि ओके यार, सिर्फ कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम ही पारेटो हो सकता है, मोनोपोली तो नहीं हो सकता. तो मैं अब आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मोनोपोली क्यों नहीं पारेटो देगा, और अगर देगा तो कौन से सिचुएशन में देगा. आइए पढ़ते हैं. In order to understand the first welfare theorem better, it is useful to consider another resource allocation mechanism that does not lead to efficient outcomes. Suppose a consumer behaves like a monopolist. तो एक monopoly का structure create कर दिया. Agent A quotes prices to B. Agent B will decide how much he wants to trade at the quoted prices. Suppose further that A knows B's demand curve and will attempt to choose the set of prices that makes A as well off as possible given the demand behavior of B. मतलब A को ये भी पता है कि B कौन से price पे कितनी demand करेगा, और उसके हिसाब से A अपना price set करेगा जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो. We will also use price offer curve, जो हमने SEM 3 में भी किया था, जिसको PCC भी कहते हैं, प्राइस कंजम्पशन कर्व. वेल, पीयूसी रिप्रेजेंट्स ऑल ऑप्टिमल चॉइसेस ऑफ द कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस. याद करो, थर्ड सेम में ये डेफिनेशन होती थी, लोकस ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस. केयर, सो बीज ऑफर कर्व रिप्रेजेंट्स द बंडल दैट ही विल परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस, दैट इज इट डिस्क्राइब्स द बीज डिमांड बिहेवियर. तो बेटा, अगर ए को बी की डिमांड बिहेवियर पता है तो ऑब्वियसली उसको उसका प्राइस ऑफर कर्व पता है, क्योंकि प्राइस ऑफर कर्व बताता है ना कि कौन कौन से प्राइस पर वो कौन कौन से ऑप्टिमलिटी पॉइंट्स के लिए जाएगा. तो ए जो कि मोनोपोलिस्ट है हमारे एग्जांपल में, उसे बी का डिमांड बिहेवियर पता है, इन अवे उसे पता है कि कौन से प्राइस पर बी कितनी डिमांड करेगा. सो इफ यू ड्रॉ अ बजट लाइन फॉर बी, देन द पॉइंट वेयर दैट बजट लाइन इंटरसेक्ट्स इज ऑफर कर्व रिप्रेजेंट्स बीज ऑप्टिमल कंजम्पशन. अभी डायग्राम के थ्रू भी दिखाता हूँ. Thus, if agent A wants to choose the prices to offer to B that makes A as well off as possible, he should find the point on B's offer curve where A has the highest utility. जो भी फिगर में देखेंगे, the optimal choice will be shown by tangencies. A's ICs will be tangent to B's offer curve. तो मैं अभी आपको आगे के पॉइंट्स बाद में कराता हूँ, पहले डायग्राम. ये आपका वो प्राइस रेशो, ध्यान से देखना, ये B का IC, ठीक है, ये A का IC, आप देख रहे हो ये इंटरसेक्ट कर रहा है. आईसी को देखो, ए और बी के. सर टेंजेंसी भी तो है, टेंजेंसी है, लेकिन टेंजेंसी किसकी है, एज आईसी की और बीज के ऑफर कर्व की. जबकि पेरेटो की कंडीशन ये नहीं होती, पेरेटो की कंडीशन होती है टेंजेंट आईसी में होना चाहिए, नॉट बिटवीन एक आईसी और एक ऑफर कर्व. यहां पे टेंजेंसी किसके बीच में है, ऑफर कर्व एंड आईसी. जबकि अगर आईसी को कंपेयर करो ए और बी के, तो वो तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. और ऐसा क्यों है, क्योंकि ए जो है उसकी प्रेफरेंस नहीं देख रहा जो आईसी से दिखती है, वो उसका ऑफर कर्व देख रहा है कि ये कितने डिमांड करेगा मेरा बच्चा, और उसके हिसाब से अपने प्राइस कोट कर रहा है. सो इफ बीज ऑफर कर्व कट्स एज आईसी, देयर वुड बी सम पॉइंट ऑन बीज ऑफर कर्व दैट ए प्रेफर्ड, सो वी कुड नॉट बी एट द ऑप्टिमल पॉइंट फॉर ए. वंस वी हैव आइडेंटिफाइड दिस पॉइंट शोन एज एक्स इन फिगर, इन दिस एलोकेशन इज दिस एलोकेशन पारेटो, इन जनरल द आंसर इज नो. टू सी दिस सिंपली नोट दैट एज आईसी विल नॉट बी टेंजेंट टू द बजट लाइन एट एक्स, एंड एज आईसी विल नॉट बी टेंजेंट टू बीज आईसी. हियर एज आईसी इज टेंजेंट टू इनफैक्ट बीज ऑफर कर्व. सो बट इट देन कैनॉट बी टेंजेंट टू बीज आईसी. दस द मोनोपोली एलोकेशन इज पारेटो, दस दी मोनोपोली एलोकेशन इज पारेटो एफिशिएंट. लेकिन पारेटो एफिशिएंट ना लिखकर आई शुड बी राइटिंग इट एज पारेटो इनएफिशिएंट, सॉरी फॉर दैट. सो दस द मोनोपोली एलोकेशन इज पारेटो इनएफिशिएंट, बट देर इज वन एक्सेप्शन दो, दैट इज अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट, वी कैन स्टिल हैव अ पारेटो पॉइंट अंडर मोनोपोली. तो अब नॉर्मली जनरली मोनोपोली में आपको देख रहे हैं नहीं है आपका पारेटो पॉइंट, लेकिन एक एक्सेप्शन है जहां पर इवन दो मोनोपोली है आपको स्टिल पारेटो एफिशिएंसी मिल सकती है. तो अब तक हमने पीछे में क्या देखा, आईसीस की टेंजेंसी नहीं है. क्यों? बिकॉज ए जो मोनोपोलिस्ट है उसको बी का डिमांड फंक्शन पता है, तो वो उसकी प्रेफरेंस पे नहीं जा रहा, उसके आईसी पे नहीं जा रहा, वो उसके डिमांड फंक्शन पे अटैक कर रहा है कि यार मेरे को पता है कि कौन से प्राइस पे कितना खरीदेगा. सो टेंजेंसी ए के आईसी और बी के ऑफर कर्व में है, जबकि पारेटो पॉइंट की कंडीशन होती है आईसीज आपस में टेंजेंट होने चाहिए. सो इन जनरल मोनोपोली डज नॉट गिव अस पारेटो पॉइंट, लेकिन एक एक्सेप्शन है जहां पर हमें पारेटो मिल जाएगा. नाउ सपोज अ कंज्यूमर स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर परफेक्ट प्राइस, मैं एक बारी वो पढ़ भी दूं आपके लिए, सॉरी. सो बट देर इज वन एक्सेप्शन दो, दैट इज अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट, वी कैन स्टिल हैव अ पारेटो पॉइंट अंडर मोनोपोली इफ इज ए परफेक्टली डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट.
आपको डिस्क्रिमिनेशन अभी आगे मोनोपोली की वीडियोस में भी दिखाऊंगा आपके कोर्स के हिसाब से भी, लेकिन अभी एक नॉर्मल आपने सेम वन में मैनक्यू में भी ये किया हुआ है, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर 15 मोनोपोली। सो नाउ कंज्यूमर ए स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अंडर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द मोनोपोली सेल्स ईच यूनिट ऑफ आउटपुट एट द मैक्सिमम प्राइस दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। एट दिस मैक्सिमम प्राइस द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, द कंज्यूमर इज जस्ट इनडिफरेंट बिटवीन बाइंग और नॉट टू बाय। दस द मोनोपोली इज एबल टू अप्रोप्रिएट द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। यार एक बात बताओ, मैं 10 रुपये देने को तैयार हूँ किसी गुट के और आप 10 रुपये ही चार्ज कर दो तो कंज्यूमर सरप्लस तो जीरो होगा ना। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता था? डिफरेंस बिटवीन वट आई एम विलिंग टू पे माइनस वट आई एक्चुअली पे। सो आई एम विलिंग टू पे 10, आई एम पेइंग 10, सो देर शेल बी नो कंज्यूमर सरप्लस। सो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो मोनोपोलिस्ट है वो पूरा का पूरा उतना प्राइस चार्ज करता है कंज्यूमर से जो उसका मैक्सिमम विलिंगनेस है देने के लिए। तो अब इसमें कैसे परेटो आ रहा है वो बड़ा शानदार आपको मजा आएगा। द इनिशियल एंडोमेंट इज शोन एज W, ठीक है। आपकी रीडिंग्स में ये डायग्राम नहीं है, रीडिंग्स में सिर्फ ये वाला डायग्राम बना हुआ है, तो आप ध्यान से सीखेगा। द इनिशियल एंडोमेंट इज शोन एज W, ओके कूल। ए सेल्स 1 यूनिट ऑफ गुड 1 टू कंज्यूमर बी एट मैक्सिमम प्राइस, क्योंकि परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, तो दैट इज बी इज विलिंग टू पे। बी विल रिमेन ऑन सेम IC क्योंकि वट एवर ही वॉज विलिंग टू पे ही इज पेइंग दैट मच। तो ना कोई यूटिलिटी बढ़ रही है ना कोई यूटिलिटी कम हो रही है, ही विल बी ऑन सेम IC। लेकिन ए जो है वो हायर IC पे आ जाएगा क्योंकि ही इज एक्सट्रैक्टिंग द मैक्सिमम प्राइस फ्रॉम द कंज्यूमर। फिर वो अगली यूनिट के लिए अगेन हाईएस्ट प्राइस लेगा, बी अगेन सेम IC पे रहेगा, ए और IC आगे आ जाएगा, ये चलता रहेगा जब तक ये टेंजेंसी अचीव ना हो जाए। अब देखो टेंजेंसी है ना, हाँ सर, किसके बीच में है? सर IC ऑफ ए एंड IC ऑफ बी। और परेटो की कंडीशन क्या होती है? टेंजेंसी किसके बीच में होनी चाहिए? सर ICs के बीच में। सो देयर यू हैव योर परेटो एफिशिएंसी। सो इन जनरल मोनोपोली वी डोंट हैव अ परेटो एफिशिएंसी, बट इफ देयर इज अ परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यू विल डेफिनेटली हैव अ परेटो एफिशिएंट पॉइंट। दोबारा समझा दूं, बी का ये IC है, बी 10 रुपये देने को तैयार है, ठीक है। ये एक IC इनिशियल एंडोमेंट्स है, तो बी का ये IC है, बी 10 रुपये देने को तैयार है, ए ने 10 चार्ज करा, तो बी सेम IC पे, ए हाई IC पे आ गया क्योंकि मैक्सिमम प्राइस ले गया। अगली यूनिट के लिए बी 9 रुपये देने को तैयार है, ए ने 9 रुपये चार्ज किए, तो बी सेम IC पे, ए और हाईएस्ट IC पे आ गया क्योंकि उसकी यूटिलिटी बढ़ती चली गई, उसका प्रॉफिट बढ़ता चला गया इन अ सेंस, क्योंकि वो मैक्सिमम प्राइस लेके निकल रहा है कंज्यूमर से, उसके पास कोई सरप्लस छोड़ नहीं रहा, तो ये चलता रहेगा जब तक ये हाईएस्ट IC पर ना पहुंच जाए। अब मेरे बच्चों मेरे नोट्स आप ले सकते हैं, नोट्स के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा इफ़ यू वांट, और मैं आपको उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हो। मैंने ना 2 अलग अलग अप्रोचेस से यहाँ पर आपके लिए पूरा कोर्स किया हुआ है, तो आपके लिए हैंडी रहेगा। और डाउट्स के लिए भी आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी मेरे को थोड़ा बहुत आता होगा, जो भी मेरे को कम मतलब जो भी 2-4 अक्षर आते हैं, आई ट्राई एंड हेल्प यू विद दैट। सो दिस इज द नंबर। आई होप फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम सेकंड वेलफेयर थ्योरम इज नाउ अ पीस ऑफ केक फॉर यू।